हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE 309। तो देखिए, सिंबल्स में, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स में फर्स्ट देखिए, डायरेक्ट करंट सीधी लाइन है, अल्टरनेटिंग करंट, पावर फ्रीक्वेंसी, एपरेटस एंड मशीन सूटेबल आइदर फॉर डीसी और एसी मशीन। इसमें एसी और डीसी दोनों का सिंबल है, मतलब यूनिवर्सल, दोनों के लिए ये मशीन जो है सूटेबल है, उसका सिंबल है। उसी तरह से एसी सिंगल फेज, थ्री फेज, 415 वोल्ट। उसी तरह से एसी थ्री फेज विद न्यूट्रल, तो 3N ऐसे करके दिखाते हैं। उसी तरह से एसी थ्री फेज विद न्यूट्रल, 350 हर्ट्ज, 415 वोल्ट। डीसी टू कंडक्टर्स, 110 वोल्ट, तो इस तरह से दिखाते हैं। डीसी थ्री कंडक्टर्स इंक्लूडिंग न्यूट्रल्स, इस तरह से दिखाते हैं। पॉजिटिव पोलरिटी, नेगेटिव पोलरिटी, सिंबल्स ऑफ लाइंस, इसमें फॉर केबल, एग्जिस्टिंग केबल, प्लांट केबल या अंडरग्राउंड केबल, ओवरहेड लाइंस, कंडक्टर्स में देखिए फ्लेक्सिबल कंडक्टर्स, टू कंडक्टर्स जैसे सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, फिर है मल्टीपल लाइन रिप्रेजेंटेशन। थ्री कंडक्टर्स में सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, मल्टीपल लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे। एन कंडक्टर्स जैसे सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में चार कंडक्टर है तो इस तरह से, मल्टीपल लाइन में चार कंडक्टर है तो इस तरह से दिखाएंगे। फिर है इंडिकेशन ऑफ कंडक्टर पर्टिकुलर्स, एग्जांपल जैसे डीसी सर्किट 110 वोल्ट, टू कंडक्टर्स ऑफ 125 mm स्क्वायर ऑफ एल्युमिनियम, तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से दिखाएंगे और मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से दिखाएंगे। उसी तरह से एग्जाम्पल डीसी सर्किट 220 वोल्ट, 110 वोल्ट बिटवीन आउटर कंडक्टर्स एंड न्यूट्रल, टू कंडक्टर ऑफ 50 mm स्क्वायर विद न्यूट्रल ऑफ 25 mm स्क्वायर, तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दिखाएंगे और मल्टीपल लाइन रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से दिखाएंगे। उसी तरह से थ्री फेज सर्किट 50 हर्ट्ज, 6 किलो वोल्ट, थ्री कंडक्टर्स ऑफ 50 mm स्क्वायर, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से दिखाएंगे। उसी तरह से थ्री फेज सर्किट 50 हर्ट्ज, थ्री कंडक्टर्स ऑफ 125 mm स्क्वायर विद न्यूट्रल ऑफ 50 mm स्क्वायर, इस तरह से दिखाएंगे सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में, मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से दिखाएंगे। चेंजिंग ओवर फ्रॉम सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन टू मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे चेंज हो रहा है, जैसे सिंगल लाइन से मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट हो रही है लाइन, तो इस तरह से दिखाएंगे ये चार कंडक्टर के लिए। ग्रुप ऑफ एन कंडक्टर्स विद विच फॉलो द सेम वे ऑन द डायग्राम, तो इस तरह से एन कंडक्टर्स इस तरह से दिखाएंगे। फिर है टर्मिनल्स एंड कनेक्टर्स ऑफ द कंडक्टर्स, तो जैसे जंक्शन ऑफ कंडक्टर्स दिखाएंगे इस तरह से, डबल जंक्शन ऑफ कंडक्टर्स इस तरह से दिखाएंगे, अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है। क्रॉसिंग विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, देखिए क्रॉसिंग है, जंक्शन है, तो इस तरह से बीच में सर्कल दिखाते हैं, विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है तो इस तरह से दिखाएंगे। क्रॉसिंग एंड कनेक्शन कनेक्टिंग कंडक्टर, तो ये इस तरह से दिखाएंगे, बीच में देखिए सर्कल लाइन दिखा रखा है, और मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से दिखाएंगे। फिर है नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस और नॉन रिएक्टिव रजिस्टर, तो इस तरह से दिखाएंगे इम्पीडेंस इस तरह से, इंडक्टेंस, वाइंडिंग, कैपेसिटर, अर्थ, फ्रेम और चेसिस कनेक्शन, फ्रेम और चेसिस अर्थ कनेक्शन, फॉल्ट, पोजीशन ऑफ फॉल्ट टू फ्रेम, स्क्रीन, स्क्रीन कंडक्टर और स्क्रीन केबल, मैग्नेटिक कोर, लैमिनेटेड कोर, उसके बाद में वेरिएबिलिटी। तो ये देखिए जनरल सिंबल, कंटिन्यूसली वेरिएबल, वेरिएबल इन स्टेप्स विद मूविंग कॉन्टैक्ट,
with moving contact continuous variable, with moving contact variable in steps, voltage diver with moving contact, rotating machine, mechanically coupled, two wire series generator or motor, DC two wire generator or motor separately excited, DC two wire shunt motor or generator, DC two wire generator or motor compound excited or shunt, short shunt. इसी तरह से देखिए ब्रशेज एंड न्यूमेरिकल डेटा साथ में दिखाने हो तो जैसे एग्जांपल डीसी टू वायर जनरेटर कंपाउंड एक्साइटेड शॉर्ट शंट 240 वोल्ट 30 किलो वोल्ट तो इस तरह से दिखाएंगे. एसी सीरीज जनरेटर सिंगल फेज, एसी सीरीज मोटर थ्री फेज, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर सिंगल फेज, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर थ्री फेज, स्टार कनेक्टेड, न्यूट्रल नॉट, ब्रॉट आउट, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर थ्री फेज, स्टार कनेक्टेड, न्यूट्रल, ब्रॉट आउट, ये न्यूट्रल यहाँ पे दिखाया जा रहा है. उसी तरह सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर थ्री फेज बोथ लीड ऑफ ईच फेज ब्रॉट आउट. तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों दिखाया है इसमें और बाकी अल्टरनेट मेथड से ये दिखाया गया है. उसी तरह से एग्जांपल जैसे देखिए सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर थ्री फेज बोथ लीड ऑफ ईच फेज बॉट आउट 6600 वोल्ट 1000 केवीए 50 हर्ट्ज 120 वोल्ट डीसी. तो इस तरह से दिखाएंगे सिंक्रोनस जनरेटर. इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज सिंगल फेज, इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज सिंगल फेज लीड ऑफ स्प्लिट फेज बॉट आउट. स्प्लिट फेज ये यहाँ पे दिखाया गया है, एक फेज को स्प्लिट कर देते हैं. इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड, देखिए डेल्टा कनेक्टेड ऐसे दिखाया. इंडक्शन मोटर थ्री फेज स्क्वायरल केज बोथ लीड ऑफ ईच फेज बॉट आउट, ये इनपुट और ये आउटपुट. इंडक्शन मोटर थ्री फेज वाउंड रोटर, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर्स सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विद टू और थ्री फेज वाइंडिंग. जैसे एग्जांपल 11 केवी ऑब्लिक 415 वोल्ट 250 केवीए 50 हर्ट्ज शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 4%. तो इस तरह से दिखाएंगे, डेटा लिख दिए गए हैं मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन में. इस तरह से दिखाएंगे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर विद टू सेपरेट वाइंडिंग, ये इस तरह से दिखा दिया. एग्जांपल दे रखा है डेल्टा स्टार डेल्टा 6600 1100 वोल्ट 4000 केवीए 50 हर्ट्ज कनेक्शन स्टार टू डेल्टा 11 केवी. तो ये इस तरह से दिखाया है. ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज, ऑटो ट्रांसफॉर्मर थ्री फेज स्टार कनेक्टेड, ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज विद कंटिन्यूस वोल्टेज रेगुलेशन. फिर है स्विच गियर, स्विच जनरल सिंबल ये है टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, थ्री पोल स्विच मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन. ये थ्री पोल स्विच, थ्री पोल स्विच सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, आइसोलेटर जो सर्किट को आइसोलेट करने के लिए काम में लिया जाता है, टर्मिनल स्ट्रिप, लिंक, ओपन लिंक, डिस्ट्रीब्यूटेड बोर्ड, क्यूबिकल बॉक्स, कॉन्टैक्ट्स, सॉकेट, प्लग, प्लग एंड सॉकेट, रिले और कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन, ये एनओ कॉन्टैक्ट, ये एनसी कॉन्टैक्ट, रिले और कॉन्टैक्टर कंट्रोल नॉर्मली क्लोज्ड. पुश बटन, देखिए पुश बटन या तो इस तरह से या इस तरह से, ये नॉर्मली क्लोज्ड, ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में है. ये थर्मल ओवरलोड रिले, टाइम डिले रिले, कुछ टाइम बाद में रिले स्विच ऑन हो जाएगा.
कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे. लिमिट स्विच एनसी कंडीशन में दिखाया गया है, लिमिट स्विच एनओ कंडीशन में दिखाया गया है. अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन, रिलेज एंड कॉन्टैक्टर्स, कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, कॉइल दिखाते हैं जो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट में, थर्मल ओवरलोड रिले, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड थ्री पोल कॉन्टैक्टर, पावर सर्किट जिसमें अपन दिखाते हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड थ्री पोल कॉन्टैक्टर विथ थर्मल ओवरलोड डिवाइस इन ऑल थ्री पोल्स, ये थर्मल ओवरलोड रिले दिखा रखा है. ये टाइम डिले रिले, फिर है फ्यूज बोर्ड्स, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेज, मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेज, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद विदाउट स्विचेज, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेज, पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड्स, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेज, मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेज, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेज, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विचेज, स्विचेज एंड स्विच आउटलेट्स, वन वे स्विच, सिंगल पोल, टू पोल, थ्री पोल, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, पुश बटन और बेल स्विच, बेल पुश, सॉकेट आउटलेट्स, सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, कंबाइंड स्विच एंड सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, लैंप एंड लाइटिंग एपरेटस, लैंप और आउटलेट फॉर लैंप, क्रॉस से दिखाते हैं, ग्रुप ऑफ थ्री 40 वाट लैंप्स, लैंप माउंटेड ऑन वॉल और लाइट ब्रैकेट, लैंप माउंटेड ऑन सीलिंग, फ्लोरोसेंट लैंप, ग्रुप ऑफ थ्री 50 वाट फ्लोरोसेंट लैंप्स, फैंस, सीलिंग फैन, ब्रैकेट फैन, एग्जस्ट फैन, फैन रेगुलेटर, अर्थिंग. उसके बाद में मिसलेनियस एपरेटस, फ्यूज, सिंगल लैंप, इंडिकेटर, हॉर्न, बेल, बजर, सायरन, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जनरल. तो इस तरह से ये सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स थे. इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं. थैंक यू.